ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको 13वां अध्याय शिव पुराण का 13वां अध्याय शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि के बारे में बताएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जगदम्बा, पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर सोच आदि से निर्वृत हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजुलियों से मुंह को धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन न करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल से स्नान न करें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन प्रयोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके स्नान करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्रों को धारण करें। दूसरे के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण कर आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी की बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में
मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाएं, भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रों उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अज्ञ पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्व श्रद्धावनत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाग और अग्र दे। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिवजी के प्रत्येक मुख पर कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेल पत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिवजी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुगुल और अगरु की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभो शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अघ्र को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अग्र अर्पित करें, नैवेद्य व तांबुल अर्पित करें, 5 बत्ती की आरती करें, 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के समान, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे रहे, मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें।
देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पूर्ण यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। तो हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया है, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने की और उनकी पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है यहाँ पर बताई है। अब हम 14वां अध्याय पुष्पों द्वारा शिव पूजा का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से हमें पूजा करनी चाहिए? विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सुत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी का महात्म्य बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति या धन की कामना अगर आप करते हैं तो आपको कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। 100,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का विनाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 100,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मन को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र के 500,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 100,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। 200,000 के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती है। 300,000 जाप पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और 400,000 जाप पूरे होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 500,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है उसके 500,000 अगर आप जाप करते हैं तो आपको आपके महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 100,000 से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 100,000 दुआओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 100,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 100,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिवजी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 100,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 100,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दुपहिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। असली के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं।
वेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार आपके भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों के पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों फूल महादेव की पूजा के लिए अयोग्य है। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें, गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिवजी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जो के दाने चढ़ाने से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के भोजन से 1,00,000 वार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग के पूजन से उपासक को धर्म अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। सत रुद्रीय मंत्र से 1,10,000 रुद्र जप, सुक्त षडंग महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। यानी कि ओम मंत्र से या गायत्री मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से शिवलिंग पर जलधारा जो है वो शिवलिंग पर आपको चढ़ानी चाहिए। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीवी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है।
शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है, गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पुत्रादि आदि सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस कथा के अंदर भगवान शिव की विधि विधान से किस फूल से पूजा करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण पूरा सुना रहा हूँ, एकदम समझा भी रहा हूँ, सारे वीडियो आपको एकदम समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको पूरा शिव पुराण इस चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया, कृपया करके इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मगन होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण किया। जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला, इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ के रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु समय प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्राह्मण बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्य लोग तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संयक
वृक्ष जिसका पहला सर्ग कहते हैं का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का सार्थक नहीं था। अंत दूसरा सर्ग त्रियक्रोशता प्रकट हुआ, यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उद्भव स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पूर्ण शिव चिंतन आरंभ कर दिया, तब एक रजोगुनी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अवाक स्त्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया, पहला महत्व, दूसरा भूतो और तीसरा वैकारिक सर्ग। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं, दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवा कुमार सर्ग है जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया कि भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई जो पूर्णास, सर्वेश्वर एवं दयासागर थी, और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने अपने जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पूर्ण कहा, देवेश्वर शिव शंकर, जब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीव संसार रूपी बंधन में बंधे रहने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंत ध्यान हो गए। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।